हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस और सबकी फेवरेट बेसन की चक्की। मारवाड़ी घरों में कोई भी त्योहार, कोई भी ओकेशन या कोई भी गेट टुगेदर भी बेसन की चक्की के बिना अधूरा है। तो चलिए आज हम बनाते हैं दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली बेसन की चक्की, बिल्कुल दादी और नानी माँ स्टाइल। इस रेसिपी में ना हमने मावा का यूज़ किया है और ना कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ किया है। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी गरम करने के लिए रख दिया है। पानी में हमने 2 टेबलस्पून घी मिला दिया है। इस रेसिपी में हम दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब पानी इस तरह से बॉयल पे आ जाए तब और एक बड़ी सी परात में हमने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिया है। फ्रेश बेसन का ही इस्तेमाल कीजिएगा तो चक्की का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पानी में घी घुल चुका है और पानी भी इस तरह से बॉईल हो गया है, तो अब हम इसे बेसन के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। जब पानी थोड़ा सा हैंडल करने लायक हो जाए तब अपने फिंगर टिप्स की मदद से हम बेसन में इसे मिला देंगे। ध्यान रखिएगा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसमें हाथ मत डालिएगा। सारे साइड से भी हमें बेसन को इकट्ठा कर लेना है और इस तरह से पानी और घी के मिक्सचर में इसे मिला देना है। कई लोग दूध का भी इस्तेमाल करते हैं बट उससे चक्की की शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे तो ये चक्की उतने टाइम तक रहती नहीं है बट फिर भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया है। इसे हम इस तरह से मिला के 20 मिनट तक रेस्ट करने रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हमने यहाँ पे इस तरह की एक छलनी ली है। छलनी में मीडियम साइज के होल्स हो तो अच्छा है क्योंकि उससे बेसन का दाना अच्छी तरह से निकलेगा। आप बहुत ही फाइन छाननी मत लीजिएगा नहीं तो उसमें अच्छा दाना नहीं निकलेगा। थोड़े थोड़े मिक्सचर को हम छलनी में ट्रांसफर करेंगे और उसे इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि हमारा बेसन अच्छा दानेदार हो जाए। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर को छलनी से पास कर लेंगे ताकि मिक्सचर में कोई लम्प्स भी ना हो और सारा बेसन इस तरह से दानेदार हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, बस ये परफेक्ट है, दानेदार और लम्प फ्री। तो हमारे बेसन में भी दाना पड़ चुका है, अब बारी है इसे रोस्ट करने की। बेसन को रोस्ट करने के लिए हमने 3/4 कप घी को इस तरह से एक मोटी सतह की कढ़ाई में ले लिया है। आप मोटी सतह की कढ़ाई ही लीजिएगा ताकि बेसन चिपके ना और जले भी ना। जब घी थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तब हम दाना पड़ा हुआ बेसन उसमें मिला देंगे। आप फ्लेम को लो रखिए और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करते जाइएगा। हम ये पूरी प्रक्रिया लो फ्लेम पे ही करेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो चिपकेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं। जैसे जैसे हम इसे रोस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि बेसन का कलर चेंज होगा, वो थोड़ा सा गहरा होगा, बेसन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बेसन पैन के साइज को इस तरह से छोड़ने लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन अच्छा रोस्ट हो चुका है, वो फूलने लग गया है और पैन को भी छोड़ रहा है और टेक्सचर में ये बहुत लाइट हो गया है, जैसे कि जब हम हलवा बनाते हैं ना वैसे लाइट और फ्लफी बेसन हो गया है। अब हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे। आप जब इसे साइड में रखें तो भी इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि बेसन ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अब हम इस तरह से एक प्लेट को या बर्फी पैन को घी से ग्रीस कर लेंगे और साइड में रख देंगे। मेरी नानी माँ कहती हैं कि बेसन की चक्की बनाने में चाशनी का ही खेल है, तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप शक्कर में 1/2 कप पानी मिला लिया है। फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला है और साथ ही में हमने यहाँ पे लेमन येलो कलर को थोड़े से पानी में डुबो दिया है और उसे भी इसमें मिला लिया है। जब तक चाशनी में एक उबाल नहीं आ जाता हमने फ्लेम को हाई रखा था। एक उबाल आने के बाद हमने फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे ही हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी डेढ़ तार की कंसिस्टेंसी की ना हो जाए। चेक करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी चाशनी को रेगुलर रूम टेम्परेचर पानी में डाला है। अगर चाशनी ऐसे ही सेट हो जाए, बिल्कुल भी बिखरे ना, तो हमारी चाशनी बनके तैयार है। उंगलियों के बीच में भी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर चाशनी इस तरह से डेढ़ तार बनाए तो हमारी चाशनी बनके तैयार है। रोस्ट किए हुए बेसन को हमने वापस लो फ्लेम पे रख दिया है। गरम गरम बेसन के मिक्सचर में हमने चाशनी मिला दी है और इसे अब हम एक स्पून की मदद से कंटिन्यूसली चलाते हुए मिलाएंगे जब तक कि सारा मिक्सचर एक मेक ना हो जाए।
और मिक्सचर कढ़ाई को भी ना छोड़े। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। चाशनी का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। थोड़ी भी अगर नजर हटी तो समझे दुर्घटना घटी। मिक्सचर एक मेक हो चुका है। अब हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो घी छूटा है ना, वो 2 मिनट में ये बेसन का मिक्सचर पी लेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ही क्विक रहना है और तैयार मिश्रण को इस तरह से एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है। ग्रीस की हुई प्लेट में हमने मिश्रण को ट्रांसफर कर दिया है और इसे एक स्पैचुला की मदद से इस तरह से इवन आउट कर लेना है। सारे मिश्रण को हमें यूनिफॉर्मली प्लेट में फैला देना है ताकि हमारी जो चक्की है ना, वो यूनिफॉर्म साइज की बन के तैयार हो। मिश्रण पूरी तरह से फैल गया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से कटी हुई पिस्ता डालेंगे। कटी हुई पिस्ता के साथ साथ कटी हुई बादाम भी इसके ऊपर बहुत सुंदर लगती है, तो हम ये भी इस पे डाल देंगे। थोड़ा सा उसे पैट कर लेंगे एक स्पैचुला की मदद से ताकि वो सेट हो जाए बेसन के मिश्रण में, और चक्कू की मदद से इस तरह से अपना मनचाहा शेप में इन्हें कट कर लेंगे। इन्हें हम अभी नहीं निकालेंगे, बस इस तरह से अपने मनपसंद शेप में कट करके रख देंगे ताकि बाद में हम इन्हें आसानी से डीमोल्ड कर सके। आप अगर चाहे तो इसे और फेस्टिव लुक देने के लिए इसके ऊपर चांदी का वरक भी डाल सकते हैं या गुलाब की पंखुड़ियों को भी अच्छे से चॉप करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। चक्की को हम 30 से 60 मिनट तक थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। 60 मिनट के बाद हमने इसे इस तरह से निकाला तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो चुकी है। इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया बन के आया है, कलर भी बहुत बढ़िया है। अगर आप आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं करना चाहते तो कुछ केसर की कतरन को आप थोड़े से गुनगुने पानी में सोख करके भी चाशनी में मिला सकते हैं। तैयार बेसन की चक्की को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए और जब मन चाहा एंजॉय कीजिए। ये रूम टेम्परेचर पे 10 से 15 दिन तक आराम से रह जाएगी। तो याद आ गई ना आपको अपनी दादी और नानी की? तो चलिए फटाफट बेसन की चक्की बनाइए। रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।